नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है और मैं बेंगलुरु से ही ये नया वीडियो कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी फिल्मों के पोस्टर, हिंदी फिल्मों के पोस्टर हिंदी में क्यों नहीं आते, ये मेरा सवाल है और लगातार मैं इस बात पर ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखता रहता हूँ। मैं इस बात की चर्चा करता हूँ और चिंता में रहता हूँ कि अगर लगातार यही प्रक्रिया चलती रही तो कुछ दिनों के बाद लोग हिंदी में नाम पढ़ना भूल जाएंगे और अगर हिंदी में नाम नहीं आएंगे तो भविष्य में उसका उच्चारण भी सही तरीके से नहीं होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्योंकि रोमन में लिखने के बाद आई और डबल ए और ए के उच्चारण थोड़े से अलग हो जाते हैं, ई होगा कि आ होगा कि कैसे उसका उच्चारण। अब पिंजर, पी आई एन जे ए आर, पिंजर लिखा हुआ है, कोई इसको पिंजार भी पढ़ सकता है लेकिन शब्द पिंजार तो नहीं है ना, पिंजर है। इसी तरह शेर शाह है, अभी आई है फिल्म, उसके अलावा अभी लव आजकल आई है, सब पोस्टर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट लुक आते ही सब कुछ अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी में आने के साथ ये वायरल होता है, वायरल होने के साथ इंटरनेट पर यही मौजूद रहता है। आप किसी भी फिल्म के पोस्टर सर्च करें, आप भले ही हिंदी में नाम लिखें उसका, लेकिन पोस्टर अंग्रेजी में दिखेगा। धीरे धीरे ये माहौल बनता जा रहा है और हमारी दुनिया से ये हिंदी के पोस्टर गायब हो रहे हैं। मेरी मांग निर्माताओं से, कलाकारों से ये है कि अगर वे अंग्रेजी में रोमन में पोस्टर ले आते हैं तो उसको हिंदी में भी लाया करें ताकि इसकी जानकारी आम दर्शकों तक पहुंचे कि हिंदी में ये कैसे लिखा जाता है। हिंदी मीडिया अगर अखबार में अपना नाम लिख रही है फिल्म का तो वो कैसे हिंदी में लिखे इसको, इस बात की शुरू में बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से नाम लिखते रहते हैं, फिर बाद में तय होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाएगा जब हिंदी के पोस्टर आते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है और मेरी मांग यही है कि हिंदी में पोस्टर आए और हिंदी में पोस्टर हो सके तो पहले आए, अगर पहले नहीं आ सकते तो अंग्रेजी के साथ आएँ, और अंग्रेजी के साथ भी नहीं आ सकते तो उसके तुरंत बाद ज़रूर आए। ये तीनों विकल्प हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है, और ताकि हिंदी के पोस्टर हमारे इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद रहें, लोग देख सकें उनको। अब सवाल ये होता है कि आप ये पूछते हैं और लगातार लोग पूछते हैं कि अगर रोमन में पोस्टर आता है तो क्या दिक्कत है, रोमन में तो लोग समझ ही जाते हैं। हाँ भाई, समझ जाते हैं, लेकिन आप दुनिया की किसी भी भाषा की बनी फिल्म को देखें, जापानी, ईरानी, फ्रांसीसी, जर्मन, कोरियाई, चीनी, सारी भाषाओं के पोस्टर उनकी भाषा में आते हैं। अभी मैं बेंगलुरु में हूँ, मैंने अभी हाल ही में ट्वीट किया था, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी, अंग्रेजी की फिल्में लगी हुई हैं, अंग्रेजी के पोस्टर अंग्रेजी में, रोमन में टाइटल लिखा हुआ है, हिंदी के भी सारे पोस्टर रोमन में टाइटल लिखे हुए हैं उसके, लेकिन कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषा की फिल्मों के सारे पोस्टर उनकी भाषाओं में लिखे हुए हैं। कितने गौरव और गौरव की बात है, हमारे यहाँ वो गर्व या गौरव नहीं है, कितनी शर्मनाक बात है कि हम अपने पोस्टर सारे अंग्रेजी में, रोमन में लिख के ले आते हैं और उस पर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। मेरी लगातार ये डिमांड है कि सारे पोस्टर हिंदी में आएँ, हिंदी में लिखे जाएँ और वो सोशल मीडिया पर फैलें। सोशल मीडिया पर अगर हिंदी में नाम फैलेंगे तब जाकर के लोगों को जानकारी मिलेगी और हमारे जहन में ये बात आएगी कि हिंदी में ये नाम कैसे चलते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। मैं निर्माताओं से लगातार ये आग्रह करता हूँ, इधर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कुछ एक निर्माता और कुछ एक प्रोडक्शन हाउसेस हिंदी में भी पोस्टर ला रहे हैं, लेकिन अगर वे साथ में ले आएँ और एक साथ आ जाए या सबसे पहले आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ये सूचना निकाली थी कि हिंदी फिल्मों के टाइटल्स, कास्ट एंड क्रू के नाम भी पर्दे पर हिंदी में दिखने चाहिए, हिंदी में लिखे जाने चाहिए। उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, उस पर भी अमल होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। दरअसल इसके इतिहास में जाएँ तो क्यों ऐसा हुआ है, तो मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि जब कंप्यूटरीकरण हुआ, सारी चीज़ें कंप्यूटर पर आईं, उस समय हिंदी में फॉन्ट उतनी तेज़ी से सामने नहीं आए तो लोगों ने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो आलस्य से एक चलन में बदल गया और फिर हिंदी में पोस्टर लिखे जाने बंद हो गए। अब जबकि कंप्यूटर में ऐसी सुविधाएं आ चुकी हैं और हिंदी के सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं, ठीक है कि उतनी संख्या में फॉन्ट्स नहीं है लेकिन हिंदी में फॉन्ट्स हैं और अब तो ये सुविधा आ गई है कि अगर आप हाथ से लिखें तो उसको भी फॉन्ट में बदला जा सकता है,
तो यह कोशिश हो सकती है। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ पोस्टर डिजाइनर जो हैं उनसे भी बातें करूं, उनसे भी इस बात की थोड़ा आग्रह करूं कि वे लोग भी हिंदी में पोस्टर लाने की तरफ आगे बढ़ें और मदद करें इसमें हमारी। आप बताएं आपको मेरी बात ये कैसी लगी, आप टिप्पणी में लिखें, आप मुझसे सहमत हैं तो भी लिखें, असहमत हैं तो ज़रूर लिखें और इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएं ताकि एक माहौल बने जहां पे हिंदी के पोस्टर हिंदी में आएं, पहले आएं, साथ में आएं, बाद में आएं, लेकिन आएं और ज़रूर आएं। शुक्रिया, धन्यवाद।